हाय फ्रेंड, मैं नीलम सिंह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब पहले तो सबको नमस्ते और प्रणाम। फ्रेंड, हमारे बिल्हाड़ी में काली जी के मंदिर के यहाँ रामचरितमानस हो रहा है और हम लोग गए थे वहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड। मैंने वहाँ का थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया है और आप लोग को भी दिखाऊँगी। आप लोग मेरी फैमिली हो और मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ आपसे। जहाँ भगवान की पूजा होती है वहाँ वातावरण शुद्ध होता है। फ्रेंड, थोड़ा सा भी गलती हो तो आप लोग माफ़ करिएगा, मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था। मैं बहू हूँ तभी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई फ्रेंड। और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का वातावरण कि भक्ति में सब लोग लीन थे। पूरा मतलब घर का काम काज क्या भी है हम लोग सब भूल गए थे। और फ्रेंड, मैं अपने खेत में भी आई हूँ। मेरा बाबू काट रहा था, ये देखिए। और ये मेरा बाबू है, आपको दिख रहा है? बाबू बाय करो, इधर देखिए, बाय करिए, देखिए दिख रहा है आपको। और इसको पानी लेके आई। ससुरू के अंगना बड़ा नीक लागे। ससुरू के अंगना बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे हो, बड़ा नीक लागे। ई जलसा बड़ा नीक लागे ला दुआरे पे। बालक जो है वो कांपता हुआ, कांपता हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालक से कहवाया है कि भगवान की बारात कैसी है। एक बालक घर में गया, दौड़ते दौड़ते कोने में जाकर के एकदम छुप गया, कांप रहा है। माँ ने पूछा, बेटा अरे बारात गए थे, बारात आ गई, दुल्हा कैसा है? माँ ने पूछा बेटे से, कांप रहा है, एकदम पसीना हो गया है। बेटे को बारात कैसी देखा? बोले मत पूछो माँ, मत पूछो, वो बारात नहीं है ना, बराता है, बराता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शब्द देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्द, बारात नहीं लिखे ना, भोलेनाथ की बारात को बारात कहना चाहिए ना, बारात, साधारण बारात। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने बराता लिखा, बराता यानी विशेष। बालक ने कहा कि बराता है ना, बराता, अरे कैसे, क्या क्या कह रहे हो? बोले माँ दुल्हा पागल है। हो जाने दीजिए, शिव और शक्ति का मिलन हो जाने दीजिए। दो बार भगवान का, भोलेनाथ का दो बार श्रृंगार हुआ, एक बार लौकिक श्रृंगार, एक बार अलौकिक श्रृंगार। ये जो जब विवाह में गए भोलेनाथ, जब विवाह में गए सज करके, तो अलौकिक श्रृंगार, अलौकिक श्रृंगार है ये। और एक बार लौकिक श्रृंगार बोले भगवान ने भी श्रृंगार किए। भगवान कथा आप जानते हैं, तो केवल दर्शन कराए। गोपेश्वर गोपी बने भोलेनाथ, गोपा लल्ला नाच।
Yeah.
आशीर्वाद लिया, सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद लिया, पुत्रवान भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, तब तक क्षत्र भावा आ गई, पुत्रवान भव। पूछा ये कौन? बोले ये हमारी पत्नी है रुक्मिणी। बोले ये दूसरी? बोले ये भी मेरी पत्नी। कितने हैं? बोले 14,001, 108 पत्नियां हैं। बोले भैया हम तो नित्य एकादशी हो। भगवान ने सुना एकदम रोने लगे। बोले क्या चुरा रहे हो मित्र? ये चोरी वाली आदत अभी तक तुमने छोड़ी नहीं है। ये क्या चुरा रहे हो? चुराते जा रहे हैं। सुदामा जी झट छीन करके भगवान देखा तो चावल है, एक मुट्ठी उठा करके बेचने लग लिए। मन दे दिया, एक लोट दे दिया है, दूसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे। रुक्मिणी मैया आकर के हाथ को पकड़ ली। अरे प्रभु, ये मित्र के घर के घर का चावल है, ये प्रसाद है, पूरी द्वारिका नगरी में बटना चाहिए। एक एक दाना भैया, एक एक दाना, सब लोग उस प्रसाद को पाए, सब लोग पाए। समयांतर में भगवान श्री सुदामा जी विदाई लेकर के चलने लगे। जब तो सोचा कि अरे देखो ये कुछ दे नहीं रहा है, इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, मैं कुछ हमको दिया नहीं भाई। बोले भगवान, बोले जाओ जाओ, साथ भेज दिया भगवान ने। लेकिन जैसे ही अपनी नगरी में पहुंचे, देखा तो सुदामा जी की जय, सुदामा जी की जय, सुदामा जी की जय। द्वारपाल जो है वो सुदामा जी की जयकार लगा रहे हैं। एक बार को भ्रम हो गया, ये कौन आ गया भाई? मेरे नाम का कौन आ गया? इतना आलिशान बंगला बनकर के तैयार किसका हो गया? द्वारपाल मेरे नाम का सुदामा जी की जय बोल रहे हैं। कौन? लेकिन जैसे ही बात पता चली, सुशीला मैया को एकदम सुसज्जित होकर के आरती उठा लेकर के आ गई। द्वारपाल सुदामा जी की जय, आरती की थाल लेकर के आई। नहीं परेशान करे सुदामा जी है, क्योंकि कहना कह करके एकदम सुसज्जित परिचय पूजा। मैं आपकी पत्नी सुशीला, महाराज ये आपके मित्र की कृपा है। बोले रातों रात बन करके तैयार हो गया। वो सबसे बड़ा इंजीनियर है भैया, सबसे बड़ा इंजीनियर बैठा है। सब लोग नक्शा बनाते हैं, लगते हैं मकान बनता है, लेकिन सुदामा जी की नगरी को मानो रातों रात बना करके तैयार कर दिया है। कौन? बोले वही मुरली मनोहर घनश्याम कन्हैया ने। यहाँ सुखदेव जी महाराज कंसी जी को कथा सुनाते हुए कहते, अरे कैसे कैसे? बोले देखा तुमने जो घोर एकदम तरीके की पंचाशा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।